जैकेट रखनी है, जॉगर्स भी रख लो कहीं रनिंग शनिंग का दिल ना चाहे बाद में। कार्ड वार्ड चेक कर लो, सारे पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए हैं चेक कर क्या लो। हाल है ब्रो? लंदन 2018, काफी अंधेरी रात थी और इस अंधेरे में मेरी एक राहुल नामी इंडियन से मुलाकात हुई। टाइम गुजरा थोड़ा और बात होते होते पहुंच गई क्रिकेट पे। तेरी टीम ऐसी, तेरी टीम वैसी, तू ये, तू वहाँ का, तू यहाँ का, तू यहाँ जा, तू वहाँ जा, मतलब भाई फुल फड्डा। और फिर आप कर लें फास्ट फॉरवर्ड टू लास्ट वीक। मैंने एक वीडियो बनाई कॉल्ड द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ड्रीम, जिसमें मैंने इस चाहत का इजहार किया कि भाई इस साल जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है मैनचेस्टर में, उसमें अगर पाकिस्तान जीतती है तो मैनचेस्टर में जो सेलिब्रेशंस होंगी वो मैंने आप लोगों को दिखानी है, मतलब मेरा ख्वाब है। और मेरे सब पाकिस्तानी दोस्तों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, लेकिन तेरी टीम ऐसी, तेरी टीम वैसी, तू यहाँ का, तू वहाँ जा, तू यहाँ जा, तू ये है, तू वो है, तू ये है, मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम इंडिया हु डिड नॉट अप्रिशिएट माय ड्रीम। मतलब इट वाज लाइक कि हजार राहुल एक साथ पहुंच गए, हजार राहुल। और मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये वीडियो किसी इंडियन ने बनाई होती तो हम पाकिस्तानी भी ऐसे ही कॉमेंट कर रहे होते शत प्रतिशत। और सीधी बात है, वैसे भी क्यों ना आए ऐसे कॉमेंट्स, क्यों ना आए। इतनी ट्रैजिक, डेंजरस और लड़ाई झगड़ों से भरी हुई हिस्ट्री है हमारी। हम जंगे लड़ चुके हैं एक दूसरे के चीज़ों में, पता नहीं किस किस तरह के बैन लगा चुके हैं। पॉलिटिक्स में हर वक्त आपस में फड्डा होता रहता है, बॉर्डर पे फायरिंग शायरिंग, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन है हम दोनों मुल्कों के बीच में, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को यार। एंड कंसिडरिंग दैट जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये सारी टेंशन जो हम दोनों मुल्कों के बीच में है, ये पेट्रोल बन के इस मैच के अंदर मतलब जान डाल देती है, आग लगा देती है इस मैच को, कि भाई इन सारे फड्डों का फैसला तो आज ही होकर रहेगा, आज ही पता लग जाएगा, आज फैसला होकर रहेगा। प्लेयर्स सोल्जर्स बन के मैदान में उतरते हैं, पूरी दुनिया एक दिन के लिए थम जाती है। जिन लोगों ने इसके अंदर कुछ भी इन्वेस्ट किया होता है वो पागलों की तरह पैसे छापते हैं, क्योंकि एक दिन के लिए सबकी नजरें टीवी पे आ जाती है। 1 point something billion लोगों से ज्यादा लोग इस जंग को होते हुए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम एंड इंटेंसिफाइड स्पोर्टिंग राइवलरीज ऑफ ऑल टाइम। एंड मतलब बात यह है कि इस मैच में जो टेंशन है उसके पीछे जो असल में हम दोनों मुल्कों के बीच में जो टेंशन और फड्डे और जंगे वगैरह होती रहती हैं, आई विश कि वो ना होती हूँ, आई विश कि ऐसा ना हो। लेकिन जहाँ तक ये क्रिकेट की और मैच की टेंशन की बात है ना, जो ये राइवलरी है हमारी, आई पर्सनली फील रियली स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई मीन आई फील के ऑल ऑफ अस पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, वी शुड रियली फील स्पेशल कि हम एक ऐसी राइवलरी का पार्ट हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ समथिंग एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल। दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स कुछ भी नहीं है हमारे इस मैच के सामने भाई। और जब हमारा ये मैच होता है तो भाई कौन ऑस्ट्रेलिया, कौन इंग्लैंड, सब कटो भाई, सब कटो, आपको लिफ्ट कराने वाला कोई भी नहीं है आज। इट इज दैट बिग अ राइवलरी। एंड जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस साल मैच है मैनचेस्टर में और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैच मैं स्टेडियम में नहीं देख रहा क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिले ऑब्वियसली, लेकिन कहीं मैनचेस्टर में चाय पीते पीते आराम से देखेंगे मैच। लेकिन 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 बिफोर आई गो और बिफोर एनी वन ऑफ यू गोज और बिफोर वी वॉच दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है हम सबको, मुझे भी आपको भी, हम सबको एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, एक मंज़र देखना बहुत ज़रूरी है। वो मंज़र है इंडिया पाकिस्तान का, जब हमारे सर पे ये कंपटीशन या फड्डे या जंग का झंडा लहरा नहीं रहा होता। वो मंज़र एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। कभी आपने कोक स्टूडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़े? They are full of love for one another. Indians पाकिस्तानियों को प्यार भेज रहे हैं और पाकिस्तानी Indians को प्यार भेज रहे हैं, क्योंकि बात जो प्यार मोहब्बत और पीस की हो रही है, इस इंसानियत में मुझ जैसे पाकिस्तानी का फेवरेट बैट्समैन विराट कोहली है और शायद एक इंडियन का ऑल टाइम फेवरेट बॉलर वसीम अकरम, who knows? इस इंसानियत को हर मैच से पहले एक बार देखना ज़रूरी है। एक बार देखना बहुत ज़रूरी है।
और फिर जब एक बार देख लिया और पता लग गया कि भाई सबसे पहले वी आर ह्यूमंस एंड वी रेजोनेट विद ईच अदर एज ह्यूमंस बिफोर एनीथिंग एल्स, जब ये एक बार पता लग गया फिर चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मे द बेस्ट टीम विन। एंड बाय द वे राहुल जो है जिससे मैं मिला था वो राहुल कुमार है असल में, एंड ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड आई लव दैट गाय। तखलिया कहानी मोहब्बत की है संजय भैया, देखो बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर बट विराट कोहली इज समथिंग एल्स, वो मैं मानता हूँ। हसन अली इज अ गुड बॉलर ऑलराउंडर व्हाटएवर बट मूवी है।